हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, पुरुषोत्तम जी हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे कॉल किया है यूट्यूब से नंबर लेके। उनकी एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम थोड़ी सी मजेदार है, तो सोचा आपके साथ हम डिस्कस कर लें। तो पुष्पेंद्र सिंह की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास एक डेटा है, जैसा कि मेरे पास डेटा है। अब इस डेटा के अंदर में वो चाहते हैं इस डेटा को पीडीएफ में स्प्लिट करना, पीडीएफ में स्प्लिट करना। तो कैसे होगा पीडीएफ में स्प्लिट? तो पीडीएफ में स्प्लिट मतलब कि वो चाहते हैं नेम, पर्सन के नेम या एक पर्टिकुलर एरिया पे कोई एक कंडीशन से या मंथ उसके अकॉर्डिंग वो स्प्लिट हो जाए। इसके दो तीन तरीके हैं, चलिए उन तरीकों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप क्या करें कि लिस्ट बना लें, जब थोड़ा आसान हो जाए। हालांकि वीवीए के थ्रू भी ये लिस्ट बनाई जा सकती है, लेकिन मैं वीवीए को ना लेके मैंने यहाँ पे एरिया ले लिया और यहाँ पे मैं डेवलपर बार में गया, और या नहीं माफ कीजिएगा, मैं डेटा वैलिडेशन डेटा में जाऊंगा और डेटा वैलिडेशन के ऊपर आता है रिमूव डुप्लीकेट, उसको क्लिक करके ओके करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। अब मुझे ये वन बाय वन इसको करना है। तो पुष्पेंद्र जी, वीवीए से फैमिलियर नहीं है तो मैं डायरेक्ट कोड ना करके मैं रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा तो आसानी हो जाएगी। तो मैं डेवलपर टाइप में या नीचे यहां दिख रहा है इससे भी मैं रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्ड माइक्रो, एंड हम माइक्रो का नाम माइक्रो वन ही रहने देते हैं, देन ओके। हम यहां पे आते हैं, यहां पे हम फिल्टर लगाते हैं और फिर यहां क्योंकि मेरा एरिया के हिसाब से है तो एरिया को सिलेक्ट करते हैं और यहां से हम मान लीजिए कि ईस्ट को ले लिए, देन ओके। अब इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, सेव एज पीडीएफ। तो राइट क्लिक किया, सेव एज, ब्राउज, और यहां हम जस्ट पीडीएफ लेंगे और इसके जगह पे ईस्ट हमने सिलेक्ट किया है, ईस्ट कर देंगे और एक लोकेशन चूज कर लेते जहां मुझे डालना है। जैसे मुझे एफ ड्राइव के अंदर डेटा के अंदर डालना, यहाँ पे सेव, या ओपन आप डॉट पब्लिशर है, इसको आप हटा दीजिए, इसको सेव कर दीजिए और फिर यहां से इसको स्टॉप कर दीजिए। एक बार देख लेते हैं कि डेटा मेरा कैसा बन के आया है, उसके बाद हम कोडिंग के अंदर छेड़छाड़ करेंगे। इस नाम से बन के आया, मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये डेटा ठीक ही आया लेकिन थोड़ा सा कट गया है, ये दिख रहा है कटा हुआ है। एक कट इसलिए गया क्योंकि ईस्ट का ही डेटा है पूरा, हाँ कट इसलिए गया क्योंकि हमने पहले अपने पेज की सेटिंग नहीं की थी। ध्यान रखिए, पीडीएफ में जाने से, पीडीएफ में करने से पहले आप थोड़ी सी पेज की सेटिंग कर ले। आप प्रिंट में जाए, प्रिंट में आने के बाद यहां से अपना पेपर सिलेक्ट कर ले, यहां से मार्जिन मैंने नैरो सिलेक्ट कर ली, और उसके बाद भी देखिए यहाँ पे आपको एक पेज में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा अमाउंट के बाद भी यहाँ पे जीएसटी टोटल मंथ है। तो थोड़ा सा कॉलम वगैरह छोटा कर सकते हैं, इसे प्रिंटिंग में करते हैं, नहीं कुछ करना है आप चाहते हो एक पेज पे प्रिंट हो जाए तो पेज लेआउट में ही यहीं पे आपको आता है हाइट विड्थ। तो विड्थ को मैंने कर दिया फिट टू वन पेज। अभी क्या होगा कि वन पेज पे ही ये आएगा, जी हाँ एक पेज पे ही आएगा। अब प्रॉब्लम है कि ये जो एरिया है ये भी प्रिंट में आ रहा है, एरिया प्रिंट में ना आए इसके लिए इसको पूरे को सिलेक्ट करके आप इसको या फिर बाहर किसी और शीट में कर दीजिए या सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। सेट प्रिंट एरिया में क्या होगा कि अब जो प्रिंट करेंगे तो मेरा ये एरिया देखिए प्रिंट में नहीं आ रहा। उसके बाद चाहते हैं गिरलाइन प्रिंट हो तो गिरलाइन प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लाइनिंग जो है डॉट लाइनिंग में आ जाएगी। यहाँ पे सब कुछ ओके है, फाइनल है। अब मुझे अपनी माइक्रो की प्रोग्रामिंग चेंज करनी है तो मैं डेवलपर टाइप में या फिर व्यू के अंदर माइक्रोज है उसको क्लिक करूंगा, व्यू माइक्रोज, और उसको एडिट पे क्लिक करूंगा। ये मेरी कोड है जो बना हुआ, थोड़ा सा इस कोड में चेंज करना होगा। A1 डॉट सिलेक्ट सही है,
F1 को हटा देता हूं, F1 सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्टिव शीट रेंज डॉट, अब A1 यहां पे जो लिखा हुआ है A1 से 808, डेटा कम और ज्यादा हो सकता है तो इसको डिलीट कर दीजिए। ऑटो फिल्टर फिल से एक क्राइटेरिया इस्ट सही है। अब क्राइटेरिया इस्ट सही है तो इसमें हमें क्या करना है कि Q2, तो यहां रेंज को हम यहां पे क्या करते हैं, रेंज Q2, अगर किसी और सीट पे है तो ध्यान रखिएगा कि उस सीट का नाम भी हो। देखिए हमने सेम सीट पे है, इसे सीट का नाम डालने की जरूरत नहीं है। स्क्रॉल हमने फालतू में कर दिया था, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। और यहां जहां पर हमने ये लोकेशन लिया हुआ है, अब इस लोकेशन को थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसमें हमने N% लगाया और इस के जगह पे हम क्या लिखेंगे, रेंज Q2.val और फिर N% दे देंगे और इन पर प्रयोग होगा तो नाम भी उसी हिसाब से जनरेट होगा। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो नॉर्थ नाम का फाइल बना देगा। जी हाँ, नॉर्थ नाम का अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे कि ये नॉर्थ का बना। इसमें एक मिनट की प्रॉब्लम है, C21 एक्सपोर्ट फ्रॉम डेटा देखते हैं। ओके, डेटा में नॉर्थ का कोई है ही नहीं यहाँ पे, ये दिक्कत क्यों है, ऊपर में दिक्कत है यहाँ। फिल्ट 6 Q2.val Q1 Q2 North One Two Three Four Five Six। ओ यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसमें हाँ 6 सही तो है। A1 dot range A1 dot ऑटो फिल्टर फिल 6 क्राइटेरिया इक्वल टू रेंज Q2 इक्वल टू डॉट वैल्यू एक्ट्रिशी, इसको हम एफेक्ट करके देखते हैं। इक्वल टू ब्लैंक, हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, ये O2 है ना कि Q2 है, मैंने गलती कोड कर दी है, यहाँ पे O2 इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एक बार फिर से वापस रन पर टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करने के बाद फिर इसको लूप में लगाएंगे। तो परफेक्टली इसने नॉर्थ का बना दिया और नॉर्थ का यहां पर आप देख रहे हैं सिर्फ नॉर्थ का ही डेटा है, बाकी कोई डेटा नहीं, सिर्फ नॉर्थ को फिल्टर करके निकाला। अब क्वेश्चन आता है कि सारे नाम का कैसे आएगा, पूरा A to Z नेम का, तो इसके लिए मुझे इसको लूप में रखना पड़ेगा। इसको यहां पे लगाएंगे 4 i इक्वल टू चले 2 2, कितने नंबर ऑफ नेम है, नेम हमारे पास है 5, तो 2 2 6 चलेगा, यहां रोल नंबर 6 है ना तो 6 चलेगा, तो 2 2 6। तो यहां पे नेक्स्ट i और जहां हमने 2 लिख रखा था उसको डिलीट करेंगे, उसके बाद इसमें हमने आई को यूज कर लिया, और यहां भी हमने 2 लिख रखा था कि यहां भी हम आई को यूज कर लेंगे। अब परफेक्टली मेरा रन हो गया। अब इसके अपनी मैक्रो का शॉर्टकट बना लीजिए, कोई
मैं एक पहले से जो बना हुआ है उसको डिलीट कर देता हूँ फाइल। हाँ अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइक्रोज में गया और यहाँ ऑप्शन में गया और कोई शॉर्टकट हम यूज कर लेते हैं, मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर लिया। अब मैं अपना कंट्रोल शिफ्ट क्यू जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे ये धड़ाधड़ 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 बन रहा है, खत्म। आप जाके देखिए फोल्डर में, ये आपको सारे फाइल का अलग अलग डेटा बना के दे दिया। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि हमने यहाँ इसको क्यू हो को क्यू समझ लिया था, बाकी सब ठीक था। हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग को चेंज किया और चेंज करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से हमने अपनी फाइल को परफॉर्म करवा लिया है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे सामने दिया हुआ है। और आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो जूम मीटिंग के साथ ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ लाइव, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे रिकॉर्डेड क्लासेज। आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको मेरा सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। थैंक यू।